दर्शकों, हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्णावतार में ही सबसे अधिक लीलाएं की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर नाम से भी पूजा जाता है। भगवान कृष्ण बचपन में जहां व्रज में लोगों के घर से माखन चुराकर खा लिया करते थे, तो वहीं शास्त्रों में ये भी वर्णन किया गया है कि वे जब युवा हुए तो नदी में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लिया करते थे। और अधिकतर जनमानस आज भी यही समझते हैं कि श्री कृष्ण नटखट्टा में गोपियों को तंग करने के उद्देश्य से उनका वस्त्र चुरा लिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वास्तव में वे गोपियों को ज्ञान देने के लिए ऐसा करते थे, जिसका वर्णन हिंदू धर्मशास्त्रों में किया गया है। तो दर्शकों, आइए मिलकर जानते हैं कि कृष्ण गोपियों का वस्त्र किस उद्देश्य से चुराया करते थे। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, एक दिन गोपियां जब अपने वस्त्र उतार कर नदी में स्नान करने जल में उतरी, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो गईं, तो श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के वस्त्र चुरा कर पेड़ पर छुप गए। उधर जब गोपियां स्नान कर नदी से बाहर निकलने को हुई, तो वे अपने वस्त्रों को नदी के तट पर ना पाकर चिंतित हो उठी और सभी अपने अपने वस्त्र ढूंढने लगी। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी, तो वो सभी श्री कृष्ण से बोली, कान्हा, तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते देखते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती? तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मुझे लज्जा क्यों आएगी, लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस तरह निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। फिर गोपियां उनसे बोली, कान्हा, हमसे गलती हो गई, अब ये बताओ कि तुमने हम सभी के वस्त्र चुरा कर कहां रखे हैं। तब श्री कृष्ण पहले तो चोरी की बात से इनकार करते हैं, परंतु गोपियों के बार बार अनुरोध करने पर उन्हें बताते हैं कि कन्याओं, तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकलकर ले जाओ। तब गोपियां निर्वस्त्र होने के कारण जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताते हुए बोली, हम सभी तो निर्वस्त्र हैं, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम लोग नदी में स्नान करने के लिए गई थीं, तब भी तो तुम सभी निर्वस्त्र ही थीं, फिर अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियां बोली कि कान्हा, जब हम सभी नदी में स्नान करने आई थीं, तो उस समय यहां कोई नहीं था। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लोगों ने यह कैसे सोच लिया कि यहां उस समय कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूं, और हां, उस समय मेरे अलावा यहां आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और तो और, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देवी ने भी तुम्हें नग्न देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि स्नान करते समय हम सभी के पितर यानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र लौटाते हुए कहते हैं कि कन्याओं, जब तक मनुष्य शरीर शर्म रूपी इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। लेश मात्र भी मायाबद्ध रहने से मनुष्यों का बैकुंठ धाम में प्रवेश करना असंभव है, और यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि श्री कृष्ण का यह हास परिहास गोपियों के प्रति उनके अगाध प्रेम भाव को प्रकट करता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लिखें और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अधिक से अधिक आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के बारे में जान सकें। इसके अलावा अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।